अरे पहले बताइए कौन तोड़ा है, किसका काम है? और ये जो है असामाजिक तत्वों मानवादी व्यवस्थाओं के लोगों ने ऐसा काम किया होगा जो संविधान को नहीं मानता होगा। कि मूर्ति का आप व्यवस्था न करें, हम लोग खुद कर लेंगे। अपराधी को पकड़ कर दिखाएं। 12 घंटा में यहाँ से एक लड़की चोरी हुई थी, प्रशासन 12 घंटा में उसको पकड़ ली। लेकिन बाबा साहब के मूर्ति तोड़ने वालों क्यों नहीं 24 घंटे का हम टाइम देते हैं, पकड़ कर दिखाएं? प्रशासन सिर्फ यहाँ पर जुमलाबाजी करने आता है, उसके बस की बात नहीं है। वो सिर्फ पकड़ेगा अगर तो दलित ओबीसी को पकड़ कर ले जाएगा। मानवादियों को पकड़ने का हिम्मत प्रशासन में कति नहीं है। यही प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी अपराध किया है उसको पकड़ कर लाए, हम लोग के सामने पेश करे। हम लोग ऐसा उसका धुनाई करेंगे अगला बार से वो नहीं ऐसा काम करेगा। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड के रामगढ़ चौक पर है। और आपको बता दूं कि देखिए ये अंबेडकर चौक पर मौजूद हूं, और मैं अंबेडकर जो है रामगढ़ के मेन बाज़ार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यहां पर स्टेचू जो है लगी हुई है। लेकिन देखिए कि इनका जो हाथ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस हाथ से भारतीय संविधान को लिखा था, जिससे पूरा देश सड़ा था, जिस हाथ से बाबा साहब संविधान लिखकर भारतीय संविधान की जो है रचना किए थे, समता और समानता की बात किए थे, उसी हाथ को दिखे कि किस तरीके से इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो हाथ है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है खंडित करने का काम जो है किया गया है। आप लगातार देख रहे हैं कि पूरे बिहार भर से जनतंत्र खबर आपको प्रत्येक दिन एक दिन के बाद खबर दिखाता है कि किस तरीके से आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में आस्था रखने वाले जो तमाम अंबेडकरवादी हैं, जो तमाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं, उनको जो है मूर्तियों को तोड़कर उनकी आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया जा रहा है। और लगातार मूर्तियाँ टूटती है, प्रशासन आती है और किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होता है, ये सबसे बड़ा जो है विवश है। देखिए रामगढ़ का मेन चौक है और मैं कन्फर्म के साथ कह सकता हूँ कि ये मेन बाज़ार में और सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा। अगर प्रशासन अगर त्वरित कार्रवाई करती है तो पता चल जाएगा कि मूर्ति कौन तोड़ा है। सोचिए कि जिस हाथ से बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसी संविधान तले जो हाथ है उसको तोड़ा गया है। जिस हाथ से बाबा साहब संविधान लिखकर सबके समानता की बात करी थी, उसी हाथ को आज देखिए कि इस मेन जो अंबेडकर चौक है रामगढ़ का तोड़ दिया गया है। इसको लेकर अंबेडकरवादियों में जो है नाराजगी है। पुलिस प्रशासन के लोग आए हुए हैं लेकिन अपना कोरम पूरा करके चले जाएंगे। फिलहाल तमाम लोग आए हैं, जाएंगे। कौन तोड़ा है? हेलो, हाँ बोलिए। सबको मैं यहाँ जुटे हुए सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्वागत करता हूँ। और यहाँ बाबा साहब जो है हमारे हैं, मैं उनका जो है नमन करता हूँ। अभी जो है जो तोड़ा गया है असामाजिक तत्वों ने जो तोड़ा है, उस पर हम लोगों ने इस प्रशासन को बुला करके बात किया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी को बुला कर बात किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा हम लोगों ने 3-4 मांग किया है। पहली बार बोला है कि हमें नई स्टैचू चाहिए, नई मूर्ति चाहिए। अरे पहले बताइए कौन तोड़ा है, किसका काम है? और ये जो है असामाजिक तत्वों मानवादी व्यवस्थाओं के लोगों ने ऐसा काम किया होगा जो संविधान को नहीं मानता होगा। इसलिए हम समाप्त लोगों को जो है ये होना चाहिए, एक प्रकार कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो संविधान को नहीं मानने वाला जो इस मूर्ति को तोड़ा है, यानी मानवादी व्यवस्था के कहीं ना कहीं होगा। लोग मानवादी व्यवस्था का सीसीटीवी कैमरा होगा ना, काहे नहीं चेक जो है जो हम लोगों ने मांग किया है, नई मूर्ति यहाँ मिलेगी, इस सीसीटीवी कैमरा भी मिलेगा और बाबा साहब के ऊपर छतरी भी हम लोगों ने मांग किया है। इस हमारी मांग है कार्रवाई होगी। सीसीटीवी कैमरा देखे आप लोग? अभी जो है तुरंत अभी जो जो इस घटना घटी है उस घटना के आप लोग को अभी पता चला। पता चलने के बाद हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी सभी लोग आए हुए थे। अभी हम लोगों ने मांग किया, वो स्वीकार किए हैं। एप्लीकेशन भी उन लोगों को हम लोगों ने लिख करके एप्लीकेशन भी हम लोगों ने उसको जो है पुटअप कर दिया है। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम जयचंद प्रसाद, मैं रामगढ़ का रहने वाला। चलिए जी, कहाँ से है आप लोग? रामगढ़ से। किसका काम हो सकता है ये? ये अपना काम है, ये दूसरा का काम हो सकता है? दूसरा का काम हो सकता है? दूसरा का मतलब कौन से? अरे जो जातिवाद होगा, इसे में जो नहीं मानता होगा बाबा साहब को। बाबा साहब को कौन, किसको क्या नाराज के? बाबा साहब सबके लिए लिखे हैं। संविधान को जो नहीं मानता होगा वही तोड़ा होगा, और कौन तोड़ा होगा? संविधान को कौन व्यक्ति, पूरा देश संविधान से चलता है तो कौन नहीं मानता है संविधान? अरे है ना, है कोई? हाँ, जो नहीं मानता जी। किसका काम हो सकता है ये? मानवादियों का काम हो सकता है। मानवादी क्यों?
जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं वही मने के तोड़े होंगे। तो बाबा साहब से नफरत किसको क्यों हो सकती है किसी को? ये मनवादियों का मने है ना। हाँ, मनवादी लोग इससे डरता है। डरता है सब लोग। जो अच्छा अच्छा, तो जो संविधान को नहीं मानता है, जो मने के आरक्षण को नहीं मानता है, वही सब तोड़ा है। चलिए, क्या कहेंगे जी बाबा साहब का, किसका काम हो सकता है? ये मनवादियों का काम हो सकता है। मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि मूर्ति का अब व्यवस्था न करें, हम लोग खुद कर लेंगे। अपराधी को पकड़ कर दिखाएं। 12 घंटा में यहाँ से एक लड़की चोरी हुई थी, प्रशासन 12 घंटा में उसको पकड़ ली। लेकिन बाबा साहब के मूर्ति तोड़ने वालों क्यों नहीं 24 घंटे का हम टाइम देते हैं, पकड़ कर दिखाएं। लड़की किस जात की थी? लड़की राजपूत ब्राह्मण की लड़की थी। 12 घंटा में लड़की को पकड़ कर ला दिया प्रशासन कि 24 घंटे का हम लोग टाइम देते हैं, पकड़ कर लाए अपराधी को, हम लोग अपने पैसा से मूर्ति बनवा लेंगे। पहले मूर्तियां टूटी है, कार्रवाई किसी पर नहीं हुआ। प्रशासन सिर्फ यहाँ पर जुमलाबाजी करने आता है, उसके बस की बात नहीं है। वो सिर्फ पकड़ेगा तो दलित ओबीसी को पकड़ कर ले जाएगा। मनवादियों को पकड़ने का हिम्मत प्रशासन में कतई नहीं है। मेन चौक है जी, बाजार में है, सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड है। 4 मूर्ति है, सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति क्यों टूटी? प्रशासन जवाब दे इसका। बिल्कुल सही बात है, कार्रवाई होगा जी। कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई प्रशासन करे। कैसी कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम लोग यही प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी अपराध किया है उसको पकड़ कर लाए, हम लोग के सामने पेश करे। हम लोग ऐसा उसका धुनाई करेंगे अगला बार से वो नहीं ऐसा काम करेगा। तो देखिए, ये है अम्बेडकर वादियों की ताकत। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पर स्टेचू लगा है, इसके अलावा अन्य महापुरुषों की जो है स्टेचू लगा है। लेकिन क्या वजह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमाओं को हमेशा खंडित किया जाता है? कहाँ से है जी? रामगढ़ से। रामगढ़ से किसका काम हो सकता है ये सभी मनवादियों का? कुछ भी होता है तो आप मनवादी का क्यों हवाला देते हैं जी? वो सब करता है। हाँ। उसको क्या नफरत है बाबा साहब से? बाबा साहब से उसका उसका यही नफरत है कि हम लोग दलित परिवार का है, इसीलिए दबाव देकर तोड़ा जाता है। क्या कहेंगे जी, मूर्ति टूटी है, क्या कहेंगे सर? बाबा की मूर्ति तोड़े हैं, क्या होना चाहिए सर लोग के साथ? कार्रवाई किया जाएगा। किस तरह का कार्रवाई? उसको ले आइए, उसको पकड़ के 12 घंटा में ले आइए। बिहार में रोज सैकड़ों से अधिक मूर्तियां टूटती है, कार्रवाई किसी पर नहीं होता है, तो कार्रवाई होगा? हाँ, कार्रवाई होगा, दाम होगा। चलो भैया, हो गए। तो देखिए, चालू कर लिए पसंद नहीं। तो देखिए, तमाम लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, और जितने सारे देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को जिस तरीके से तोड़ने का काम किया गया है, उसको लेकर तमाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में आस्था रखने वाले लोगों को कहीं ना कहीं जो है आस्था को जो है ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, उसको लेकर यहां पर पुलिस कर्मी भी आए हुए हैं और यहां पर आला अधिकारी भी आए हुए हैं। तो हम जो है बात करेंगे। से अब तक लोग शांति में अपना समय दिए हैं, और जब तक हमारे प्रभारी लोग नहीं आए तब तक आप किसी गाड़ी वाले को डिस्टर्ब नहीं किए, किसी आदमी को डिस्टर्ब नहीं किए। इसका नतीजा ये निकला कि साहब ने डीएम साहब से बात किए हैं, डीएम साहब ने आदेश दे दिए हैं कि आपको आज 5 तारीख है, 12 तारीख के अंदर अंदर में आपको नया मूर्ति दी जाएगी। सुनिए बात को, अरे सुनिए, 7-5 बार, अरे 5 दिन की साथ, एक हफ्ते का, देखिए एक हफ्ते, हाँ रुकिए, हाँ हाँ, अरे सुनिए, वो अरे वो गारंटी हो रहा है, छोटे लाल भाई सामने थे, साहब ने साहब कहे हैं कि एक हफ्ता के अंदर आपको हम नया मूर्ति लगा देंगे, ठीक ना? इससे शांति रहिए, हाँ शांति रहिए आप लोग। एक साहब से बात करते हैं, लिखित हम लोग गारंटी, अरे डीएम साहब ने आदेश दिए हैं, आप लोग को कुछ नहीं करना है। वीडियो साहब कहे हैं कि आप बोल दीजिए एक हफ्ता के अंदर, हाँ अगर सुनिए, अगर 12 तारीख सर सवाल ले लिया जाए, अब मूर्ति तो लग जाएगी, मूर्ति हमेशा लगती है, लेकिन जो ऐसा काम किया उसके साथ क्या होना चाहिए? अज्ञात में FIR उसके साथ होगा, अज्ञात में होगा, उसका सीसी कैमरा के तरफ से निकल रहा है, अगर पता लग जाएगा तो उसके ऊपर FIR होगा। अगर 12 या 13 तारीख तक नहीं लगता है तो दोबारा यही काम हम लोग बैठ के यहाँ करेंगे, ठीक ना? अरे सुनिए, हम लोगों ने, अरे 12 तक लग जाएगा भाई, अज्ञात पर FIR करने का एप्लीकेशन लिख डाला है। अज्ञात का क्यों सर? सीसीटीवी कैमरा करवा कर अज्ञात करके वीडियो साहब को बुलाइए। देखिए अभी आप लोग के सामने
देखिए वीडियो साहब, एक मिनट एक मिनट, आप लोग चुप रहिए, थोड़ा सा सवाल करने दीजिए। सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के यहाँ पर स्टेचू को खंडित किया गया है, क्या कहेंगे? जो भी असामाजिक तत्व ने ऐसा किया है उसका अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग, जांच कर रहे हैं, उसके ऊपर FIR होगा, ठीक है। बाकी DM सर से बात हुई है और हम लोग जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर हम लोग इसको लगवाएंगे नया मूर्ति, ठीक है। यहाँ तो CCTV कैमरा तो होगा ना सर आसपास बाजार में? CCTV कैमरा से हम लोग अगल बगल में सर्च करवाए हैं, अभी तक फुटेज नहीं मिला है, लेकिन और भी हम लोग देख रहे हैं, इस पर जाँच कर रहे हैं, उस पर FIR किया जाएगा। बाबा साहब से किसी को क्या नफरत हो सकती है सर? यहाँ पर बहुत सारा स्टेच्यू लगा है, क्या कहना है बाबा साहब के स्टेच्यू? नहीं, किसी को नफरत नहीं होना चाहिए। कोई जो भी असामाजिक तत्व है उसके ऊपर हम लोग जाँच कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए वीडियो साहब हैं इस प्रखंड के, इनका कहना है कि CCTV कैमरे की जो है जांच होगी और जांच के बाद जो आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार करने का जो है काम किया जाएगा। सुनोगे एक बार, बस सुन लो, तुम लोग एक बार बोल दिया, तुम लोग भी सुन लो, बस सुनो, पहले सुनो, अल्लाह करो थोड़ा चुप। DM साहब से बात हुई है, ठीक है, DM साहब से बात हुई है। हम लोग जो है सबसे पहले तो हम लोग जो भी ये काम किया उसके ऊपर जांच करके FIR करेंगे, ठीक है, उस पर कार्रवाई होगा सख्त से सख्त। दूसरा है कि हम लोग नया मूर्ति लगाने के लिए हम लोग DM साहब बोले हैं, ठीक है, आप लोग जाइए। हाँ, CCTV कैमरा भी हम लोग लगवाने चलिए, क्या कहेंगे सर बाबा साहब? क्या ये सब पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है, अभी सब नहीं बोला जाता। बाबा साहब पॉलिटिकल है सर, बाबा साहब पॉलिटिकल, ये सब क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्या हो सकता है, अभी तो जान चले ना, क्या हुआ है, धक्का लगा है, टूटा है, क्या हुआ देखा जाएगा ना। धक्का ऊपर ऊपर धक्का कैसे लग सकता है सर? वही कुछ लोग बात बता रहे तो हो जाएगा, इसका उसी का FIR होगा। CCTV काम हो रहा है सर, जाँच हो रहा है CCTV सर? हाँ, कि ये सब दुकान के अंदर लगाया हुआ, बाहर में नहीं था सर। बहुत सारे इसकी क्या गारंटी है कि फिर दोबारा प्रतिमा नहीं टूट सकता है लगने के बाद? सर प्लीज सर जवाब दीजिए ना सर, प्लीज सर, सर प्लीज ये बात वीडियो साहब से पूछिए। सर जवाब दीजिए ना एक मिनट सर, बाबा साहब जो सैकड़ों मूर्ति देख करवाई किसी पर नहीं होता है, आखिर क्या वजह है? ये सब क्या कहेंगे सर? सर सर सैकड़ों मूर्तियाँ टूटी जा रही है, एक लड़की का अपहरण हुआ था, क्या 12 घंटे में आ गई, तो एक ऐसा प्रतिमा तोड़ने वाला 24 घंटे में नहीं मिलेगा, उसका आप लोग छानबीन करिए। क्या कह रहा है जी, क्या कह रहा है? इसकी क्या गारंटी है दोबारा प्रतिमा लगने के बाद फिर टूट सकता है, नहीं टूट सकता है, इसकी क्या गारंटी है सर? सर जवाब चाहिए हमको, अगर उसका हमारा व्यवस्था हमको सुरक्षित किया जाए। का मतलब है कि अगर फिर नया प्रतिमा आके लग जाएगा उसका क्या गारंटी है कि नहीं टूटेगा? बिल्कुल सही बात, मेरा प्रशासन से यही सवाल है बस, कि दोबारा प्रतिमा लगेगा।